वक्रतुंड महाकाल सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरमे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, काफ़ी टाइम हो गया है आप लोग से रूबरू हुए हुए और वापस से अभी दिवाली आ गई है, मतलब महापर्व दीपोत्सव बेसिकली। तो आज हम ब्लॉग में, इस पर्टिकुलर ब्लॉग में पटना सिटी का मार्केट एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि दिवाली पे आखिर मार्केट में कैसा रौनक है। ये वीडियो को हम पश्चिमी दरवाजे से शुरू कर रहे हैं और यहीं से इस वीडियो में आगे लेके चलेंगे आपको और देखेंगे कि मार्केट में आखिर इस बार दिवाली में क्या खास है, क्या अलग आया है। तो सबसे पहले अभी आप देख सकते हो बहुत सारा मार्केट सज चुका है ऑलमोस्ट और भीड़ तो भाई भर के है। चलो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स जंप इनटू द वीडियो और स्टे एक्साइटेड क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग होने वाला है। पश्चिमी दरवाजे में यहाँ पे सुधा डेरी आपको दिख रहा होगा, उसके जस्ट बगल में एक स्टॉल है जहाँ पे कि मैं देख पा रहा हूँ एक स्टैचू का स्टॉल। और यहाँ पे बात की जाए दीपावली में गणेश जी और लक्ष्मी जी की काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी बोलते हैं ना मन भावक मूर्तियाँ हैं। मैं प्राइस पूछूँगा भैया से, भैया का जो मूर्ति है उसका कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम प्राइस? सबसे छोटा है जो 50 रुपये का है, सबसे बड़ा है जो 1200 है, 1300 है, यही सब 1200-1300। 50 रुपये से स्टार्ट होके आपको 1200 रुपये तक यहाँ पे 1200-1300 तक यहाँ पे जो रेंज है वो जा रहा है। तो अभी यहाँ पे आप बहुत सारे चीनी मिट्टी के बने दिए भी देख रहे होंगे और इसका प्राइस पूछते भैया से, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है देखो तो, मतलब इसको मेहनत कितना लगता हो बनाने में ये हम नेक्स्ट ईयर कवर करेंगे फॉर श्योर। भैया इसका प्राइस क्या? भैया इसका प्राइस क्या है? इसका 50 रुपये, 15 और 50। तो अभी हम लोग मूव कर चुके हैं पश्चिमी दरवाजे से आगे पटना सिटी जो कि यहाँ से सीधा रास्ता निकलता है, तो उसी साइड बीच में काफ़ी मिठाई के शॉप भी हैं तो आपको हम लेके चलेंगे पटना सिटी का फेमस मिठाई का एक शॉप भी। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो देख रहे हो मज़ा तो आ ही रहा होगा बिकॉज यहाँ पे जो इस तरह से भीड़ है ना बहुत ज़्यादा है। अगर आप कार या फिर बाइक से आते हो तब तो ठीक है, बट अगर आप कार से आते हो तो मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा कि इस मार्केट में आप कार से घूमो, क्योंकि ये मार्केट पैदल घूमने लायक है। और जो भी शॉपिंग होगा ऐसे तो यहाँ पे ये पूरा पटना सिटी का जो मार्केट है वो होलसेल मार्केट है और इसलिए बोल रहा हूँ कि आप भीड़ भी होलसेल में आपको मिलेगा बिल्कुल थोक के भाव में यहाँ पे। मुझे कहीं भी स्टॉल नहीं दिखा था पटाखे का, यहाँ पे क्रैकर्स फाइनली हमें मिल चुका है। क्यों भाई? क्योंकि बचपन की यादें ताज़ा हो गई। बोलते हैं ना कि अभी तो क्रैकर्स बंद हो चुका है काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन, बट मुझे बहुत ज़्यादा फॉल्स लगता है बिकॉज हो ना हो हम लोग 364 दिन तो पॉल्यूशन आपका गाड़ी की वजह से होता ही है। एक दिन क्रैकर छूट जाएगा तो क्या आप पॉल्यूशन पे कंट्रोल कर लोगे? आई डोंट फील सो। पटाखा कितने का है मैक्सिमम वाला? कितना वाला? कितने का? 20। और मैक्सिमम? 400। और यहाँ पे प्राइस रेंज की बात की जाए अगर पटाखों की तो 20 रुपये से स्टार्ट है, ये मुर्गी छाप याद ही होगा, और 400 रुपये तक जाता है जो मैक्सिमम प्राइस है। तो भाई अभी आगे बढ़ते हैं और बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है। तो भाई वहाँ पे स्टॉल थे, यहाँ पे दुकान आपको दिख जाएगा क्रैकर्स का काफ़ी ज़्यादा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ये क्रैकर्स का जो दुकान है वो मिलता ही जा रहा है, मतलब भाई यहाँ पे आप देख रहे हो चाइनीज़ लाइट, इसमें वेरिएशन, माई गुडनेस दिस वन इज़ अमेजिंग। क्लोज व्यू दिखाइए थोड़ा इस चीज़ का कि कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है ये देखो भैया। इसका प्राइस क्या होगा? इसका प्राइस 325। इसका तो भैया ये दोनों जो दिख रहा है ना आपको और ये 325 के प्राइस रेंज में है और बाकी ये सब नॉर्मल जो लाइट है चाइनीज़ वर्ल्ड 100। और मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है? 25 से लेके आपको 600 तक का है, मतलब जो मिनिमम मैक्सिमम प्राइस है 25 रुपये से लेके स्टार्ट होती है और 600 रुपये तक यहाँ पे जो लाइटिंग है वो जाता है। वो कहते हैं ना कि सबको एक जगह है आज। शुभम भैया, सैयद भैया और अमितेश भैया, कैसे भैया?
आप दोनों से निकलेंगे तब ना, तुम तो हमको ढक लियो, हम कहाँ से दिखे तुम भैया? भाई बहुत अच्छा है, अभी दिवाली का जो मार्केट चल रहा है ना क्रैकर्स का, उसको बहुत बड़ा मार्केट है, और जैसे कि मैं बोलता हूँ पटाखेदार, भाई बोलते धमाकेदार, तो वो उसको बहुत 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 फील करने की कोशिश की है। शुक्रिया भैया। और अभी क्या आने वाला आपके चैनल पे अभी आगे? पटाखा। तो दिवाली की शुभकामनाएं आपको। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। भाई की चैनल को भी सपोर्ट करो यार, बहुत मेहनत करता लड़का, सपोर्ट करो इसको। अब क्या बोले, दो यूट्यूबर्स एक साथ। तो थैंक यू भैया, और बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिल के ऑल ऑफ अ सडन। थैंक यू भैया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो भी जिस गली के बाहर हम हैं उसको बोलेंगे मौली गली मच्छर हट्टा। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो शॉप है, और जहाँ पे कि आपको काफ़ी सुंदर पोटली, माय गुडनेस, पोटली आप यूज़ कर सकते हो, ये वुमेन के लिए मैं रिकमेंड करूँगा, गर्ल्स के लिए। और अभी मौली गली में घुसते हैं, काफ़ी मस्त सा भाई वाला है, और डिवोटिव काफ़ी ज़्यादा। अभी अंदर चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पे। तो देखो तो दोनों साइड यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, इस साइड मतलब भाई साहब बोलते हैं ना कि अगर आपके पास बार्गेनिंग स्किल्स है तो यहाँ पे अगर महंगा दिया तो उस साइड से आप सस्ते में ले सकते हो। तो ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा, अपने बार्गेनिंग स्किल्स को आप यहाँ पे प्रचुर मात्रा में यूज़ कर सकते हो भाई। तो भी जाने की कोशिश करते हैं किसी रैंडम दुकान में से, जितना अंदर जा रहे हैं उतना अंदर आपको दूर दूर तक बस माला और पूजा की जो सामग्री होती है उसी का शॉप मुझे दिख रहा है। एंड इवन देखो यहाँ पे रंगोली दिखी है मुझे, आम्र पल्लव, इसका कुछ अलग ही महत्व होता है दिवाली के टाइम में। ये कागज़ का बना हुआ है, इको फ्रेंडली है, और रंगोली है सब। भैया 60 रुपये का सबसे कम का रंगोली, सबसे मिनिमम मैक्सिमम कितना रंगोली पड़ता है आपके पास प्राइस? कम से कम 30 रुपये, ज़्यादा 60 रुपये। 30 से 60 रुपये के रेंज में आपको रंगोली का जो रेंज है वो पड़ रहा है। और अभी आगे बढ़ेंगे तो यार हो तो भाई ऐसा, मैं तो इस गली पहली बार आया हूँ और आप लोग के कारण नहीं आ पाया, बस आप लोग एक्सक्लूसिव ला रहा हूँ, सोचो कितने भीड़ में। और भाई हालत ख़राब थी, एग्ज़ाम है मेरा, सपोर्ट करो यार। तो अभी देखो ये लटकन, सब दरवाज़ा पे आप इसको सजा सकते हो, काफ़ी अट्रैक्टिव है ये। मुझे जो लगा, मेरा ध्यान यहाँ पे खींचा चला आया, इसलिए मैं इस पर्टिकुलर दुकान पे आके आपको ये दिखा रहा हूँ। प्राइसेस पूछेंगे तो भैया सर क्या प्राइस पड़ रहा है? 450 यहाँ पे लिखा हुआ अभी ऑलरेडी है, 450, देन इसका आपका 400। अच्छा मिनिमम और मैक्सिमम सबसे सस्ता सबसे महंगा कौन सा, कितने का है? 200 रुपये, मतलब 225 रुपये से स्टार्ट होती है और 900 रुपये तक जाता है। यहाँ पे अगर कोई ज़्यादा लेता है, ज़्यादा मात्रा में, कोई डिस्काउंट हो जाएगा कुछ ऑफ? कुछ नहीं होता है, फिक्स प्राइस है आंटी एकदम। मतलब भाई बोलते हैं कि देखो अभी ब्लॉक के बीच में क्या आ रहा है, और आंटी बोल रही हैं कि हमेशा मार्केटिंग करती है। फिक्स प्राइस है यहाँ पे, मतलब आप चाहोगे कि आपको बार्गेनिंग स्किल्स है आप कम करवा लो तो यहाँ पे आपकी दाल गलने वाली नहीं है। अभी आगे बढ़ते हैं और इस गली से मुझे बाहर निकल दे दो यार। यार थोड़ी सी सिकंज हो गई है यार, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड लग रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। तो मेरे पास पटना सिटी किंग केसरिया कुल्फी, यहाँ पे कुल्फी का लुत्फ उठाने के लिए, बहुत फेमस है पटना सिटी में और बहुत ही दिलचस्प कुल्फी बनाते हैं ताकि थोड़ी गर्मी भाग जाए। और अभी ऊपर देखो क्या स्थिति है यार, मतलब पता नहीं, डर है कि कहीं खाते खाते वो लोग छिन के ना लेके जाए। आपके साथ कुछ बंदर वाला ऐसा कांड हुआ है तो प्लीज़ शेयर करो कमेंट बॉक्स में। और भैया कुल्फी लगाए ना हमारी फालूदा कुल्फी हमारे पास आ चुकी है 30 रुपये के कॉस्टिंग में, ऊपर से रुआ अफ़ज़ा डाला है और शुगर सिरप है। टेस्ट करते यार, भूख लगी है पहले। पटना सिटी आना तो इसको मिस मत करना, मैं फिनिश करूँगा फिर आपसे आगे मिलता हूँ।
तो हम रुक चुके हैं अभी यहाँ पे, आप देख सकते हो कैंडल, कलरफुल कैंडल्स हैं और नॉर्मल जो कैंडल होता है वो भी, मोमबत्तियाँ। क्या प्राइस है भाई मोमबत्ती का, क्या प्राइस है, कितना दाम? 50 रुपये। और सबसे कम वाला कितना है, सबसे ज़्यादा वाला कितने का है? अभी मेरे पास मेल नहीं है भाई। ओके, मतलब 50 का है सारा। ओके, मतलब 50 के प्राइस में सारा का सारा कैंडल है, वन प्राइस। और अभी आप देख रहे होंगे दिया, इसके बिना भाई दिवाली अधूरी है। मतलब काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा लग रहा है ये दिया इसे। भैया कैसे सैकड़ा? 80 रुपये सैकड़ा भैया। 80 रुपये सैकड़ा, मतलब आपको 1.25 रुपीज़ पड़ेगा आई गेस, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। हाँ भैया, एक पीस का कितना? एक पीस का एक रुपया, मतलब 100 पीस सैकड़ा, मतलब 100 पीस अगर आप लेते हो तो आपको 20 रुपये का फ़ायदा होता है, तो मैं यही बोलूँगा। और ये पड़ेगा 50 रुपीस चर्बी के, ये बेसिकली जम के दिया और देव दिया में काम आ रहा है। तो ये जो दिया देख रहे हो, इसका जो चार साइड चलमुखी दिया इसको बोलते हैं, तो ये बेसिकली आपका जम दिया या और देव दिया जिसको बोलते हैं, जम दिया मतलब कि आपको घर के पाप को बाहर कर रहे हो, देव दिया उसके बाद ही होता है, उसको देव दीपावली भी बोलते हैं, उसमें ये चलता है। तो बेसिकली मुझे थोड़े रिचुअल्स के बारे में पता है, तो इसलिए। इसका क्या प्राइस है भैया? इसका 10 से लेकर 8 रुपये तक बेचते हैं। ओके, 10 से 8 तक। 8 रुपये सैकड़ा। और साथ ही आपको ये कुल्हा चुके देखने मिलेगा, लावा पड़ी जो मैं खाता है। हाँ, लावा पड़ी जो खेतौंदा में भरती है बहन लोग बेसिकली, और भाई लोग को कुछ नेक देख के उनको खरीदना होता है। इसका क्या प्राइस है? इसका पड़ता है समझिए 5 पीस 40 रुपये का। 5 पीस 40 रुपये, मतलब 8 रुपये पीस पड़ रहा है आपको ये, और एक पीस लेता है तो 10 रुपये। आपको जितने बन कर 8 रुपये 7 रुपये छोड़ देते हैं। हाँ, 8 रुपये 7 रुपये। तो मैं यही बोलूँगा, बी द वोकल फॉर लोकल। यहाँ पे जो दिया का प्राइस है वो है 1 रुपया पर पीस अगर देखा जाए तो, सैकड़ा में 80 रुपया, मतलब थोक भाव में कम भी पड़ रहा है। अमेजन पे यही एक दिया, एक पीस दिया का दाम 5 रुपये है, अमेजन हो फ्लिपकार्ट हो। तो भाई मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अमेजन और फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करने की जगह, दिया खरीदने की जगह, आप वोकल फॉर लोकल बनो, आप और लोकल से खरीदो, वेंडर से, लोकल वेंडर से खरीदो, और कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ही सही, हमारे कंट्री के जीडीपी में या अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा हेल्प होगा इसका। तो गाइस अभी इसी नोट पे, और आप लोग को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, और उम्मीद करूँगा कि आपको ये ब्लॉग में बहुत मज़ा आया होगा। और ये है पटना सिटी का मार्केट, और यहीं इस ब्लॉग का समापन भी होता है। आगे कुछ और भी वीडियोस आएंगी इसी इंटरेस्टिंग सी, तो इसी नोट पे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन हैप्पी दीपावली एंड स्टे सेफ स्टे होम, सी या। अरे कहीं रुको यार, रुको, कुछ साधन है, भूल गया ना, यही तो यार, ध्यान से ब्लॉग देखते नहीं हो। अभी देखो, मैंने बोला था कि प्लेस के बारे में बताऊँगा, तो त्रिमुहानी से जब हम गुरुद्वारा की तरफ बढ़े तो यहाँ पे बीच में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टंडन स्टोर करके लिखा हुआ है। ये कोई स्टोर नहीं है बेसिकली, ये एक आउटलेट है जो कि पटना सिटी में काफ़ी फेमस है अपने मिठाइयों और समोसा के लिए, खास करके टंडन समोसा, मतलब बोलते हैं ना पटना का बेस्ट समोसा, पटना सिटी का बेस्ट समोसा तो यहाँ मिलता है, पटना का अभी तक मुझे भी नहीं मिला, अगर आपको पता तो बताऊँ। मैं यहाँ से भी समोसा लेने वाला हूँ और घर के लिए कुछ मिठाई पैक करवाने वाला हूँ। रिकमेंड करूँगा ये स्टोर कि जब भी आप आओगे पटना सिटी में अगर आप लोकल हो तो यहीं से अपने घर के लिए दिवाली पर मिठाई लेके जाना। सो बाय। कहीं बात ऐसी है कि पहले लक्ष्मी जी जाती है, उसके बाद आता है। भैया दो समोसा, एक काला एक उजला जाना।